उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई ने अज एक परंपरा की शुरुआत की है, परंपरा नू वापस जीवन करने की शुरुआत की है। पहली रोटी गाय माता की, यानी गौ माता से पहली रोटी अज साडे युवा सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य साहब ठाकरे जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपर अज असी हर मंदिरों के बाहर जम्मू शहर के जिन्हें भी मुख्य मंदिर ने उन्होंने बाहर एक गौ सेवा रोटी टिफिन सेवा दे रहे हैं, जिदे अंदर लोगों को अपील की जाती है कि लोग आन, जेड़े परिवार ने अपनी पहली रोटी गौ माता से कटी है उस टिफन के पान। शिवसेना सैनिका की यह ड्यूटी लगाई गई है कि हर दूसरे दिन जाके ये अंदर रोटियां इकट्ठा करके गौशाला तक पहुंचाया जाएगा। जम्मू वासियों अपील है कि ये अंदर सानू वध चढ़ के सहयोग कर। देखिए गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, सनातन धर्म की यह मान्यता है कि हर परिवार पहली रोटी गौ माता से कटता है। तो इन गौ माता की सेवा करना मनिया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं को तुम भोजन करवा रहे हो, सुख समृद्धि आती है, मां लक्ष्मी की हमेशा जी आशीर्वाद बनिया रहा। हर मंदिरों के बाहर हमने गौ सेवा का एक बॉक्स लगाया है, जैसे कि पुरानी परंपरा चलती आ रही है। हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे दादी दादा कहते थे कि पहली रोटी छोटी घर में, तो पहली रोटी बनती है गौ माता के लिए निकाली जाए। तो वो परंपरा कुछ टाइम के लिए घर बार हो चुकी है, वो भूलते जा रहे थे इंसान। तो हम चाहते थे कि हम ये बॉक्स लगाए, आते जाते जितने भी परिवार जो गौ माता की सेवा करना चाहते हैं वो अपने घर की पहली रोटी जो गौ माता के लिए निकालते हैं वो आते जाते वो उनको कई जगह गाय नहीं मिलती थी, इस बॉक्स में डालते। हमारे शिवसेना में कई ड्यूटी लगाई गई है जो इस यहाँ से बॉक्स में लिफाफा निकालकर गौशाला में जाते हैं ताकि गौ माता की सेवा हो पाए। गौ कहते हैं ना, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो हम मतलब कि एक तरह से 33 करोड़ देवी देवताओं को गाय के रूप में पूजा जा रहा है। तो यही हमारी आज थी। और आज जो है हमारे आदरणीय आदित्य साहब जी का जो जन्मदिन है, हम उनके जन्मदिन पर ये एक छोटा सा सेवा कर रहे हैं।